इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इस देश में 17,508 द्वीप हैं। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यह दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। जुलाई 2021 के अनुमान के अनुसार इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 27,66,57,312 है और इस देश का कुल क्षेत्रफल 19,19,440 वर्ग किलोमीटर है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है और इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर जकार्ता है। इस देश की जमीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि इसके अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र शामिल हैं। इस देश की राष्ट्रीय भाषा इंडोनेशियाई है। इंडोनेशिया को इटली से आज़ादी 17 अगस्त 1945 को मिली थी और इसे मान्यता 27 दिसंबर 1949 को प्राप्त हुई। इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन यात्री मार्को पोलो था, जो 1292 में इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया द्वीप समूह पश्चिमी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के ऊपर फैला हुआ है। इस देश में 450 से ज्यादा प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं और यहाँ प्रतिदिन लगभग 3 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। वनस्पति और प्राणियों की विविधता की वजह से इंडोनेशिया ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा जैव विविधता वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विश्व में बिना मेट्रो ट्रेन सिस्टम के सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र है, जिसकी वजह से विश्व में सबसे बुरे ट्रैफिक जाम का सामना यहां करना पड़ता है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां लगभग 14,000 आइलैंड हैं। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय जानवर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ इंडोनेशिया में काटे जाते हैं। इंडोनेशिया के बेलकोनों से नीला लावा निकलता है। पूरी दुनिया में सबसे छोटे लोग इंडोनेशिया में पैदा होते हैं। इंडोनेशिया में हस्त मैथुन करना कानूनी अपराध माना जाता है और यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। इंडोनेशिया में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। इंडोनेशिया में स्थित ग्रासबर्ग खदान सोने की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी तांबे की खदान है। इंडोनेशिया की टोबा झील दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी इसी देश में पाया जाता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडोनेशिया एक जवान देश है। इस देश में 30 वर्ष से कम उम्र के लोग 170 मिलियन रहते हैं। इंडोनेशिया दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है। इंडोनेशिया में अभी भी फायरिंग से ही मौत की सजा दी जाती है। इंडोनेशिया मेंढक के पैरों का विश्व में प्रमुख निर्यातक है। यह देश मेंढक के पैरों को कई यूरोपीय देशों में निर्यात करता है। सन 2015 में इस देश ने लगभग 4,000 टन मेंढक के पैर यूरोपीय देशों में निर्यात किए थे। इंडोनेशिया में रंग बदलने वाली एक झील भी स्थित है। यह झील अपना रंग बदलती रहती है। इस झील का नाम केलीमेटू झील है। ऐसा ज्वालामुखीय गैसों के झील में पानी के साथ प्रतिक्रिया करने की वजह से होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम इंडोनेशिया की थी। इंडोनेशियाई कंपनी इंडोमी ने इंस्टेंट न्यूडल्स का सबसे बड़ा पैकेट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बनाया। इस पैकेट में 665 किलोग्राम न्यूडल्स थे। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने बचपन का कुछ समय इंडोनेशिया में बिताया था। इंडोनेशिया की गिनती विश्व के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के आधे से भी ज्यादा लोगों की प्रतिदिन की आय $2 से भी कम है। जायफल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पर आता है। इसका उत्पादन बांदा द्वीप पर किया जाता है।
इंडोनेशिया में पसोला नामक एक खतरनाक व खूनी उत्सव भी मनाया जाता है। इस उत्सव में भाग लेने वालों को गंभीर चोटें आती हैं। इस देश में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। इस तटरेखा की लंबाई लगभग 55,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इंडोनेशिया का इतिहास उथल पुथल भरा रहा है, चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो या भ्रष्टाचार की वजह से या अलगाववाद या फिर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न चुनौतियां हो। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों की विनाश लीला से यह देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहाँ के आंचा प्रांत में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और G20 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सन 2010 में इंडोनेशिया का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद लगभग 910 अरब डॉलर था। सकल घरेलू उत्पादों में सबसे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। इसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र और उद्योग योगदान करते हैं। इंडोनेशिया दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही इंडोनेशिया द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा है। बुनी अथवा मुनी सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह सभ्यता काफी उन्नति कर चुकी थी। ये हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते थे और ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। इंडोनेशिया का इतिहास विदेशियों से प्रभावित रहा है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से खींचे चले आए। इन विदेशी व्यापारियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम व्यापारी आए थे, जो अपने साथ इस्लाम धर्म लाए। यह विदेशी मुस्लिम व्यापारी यहाँ आकर व्यापार के साथ साथ अपना धर्म भी फैला रहे थे, जिसके कारण यहाँ की पारंपरिक हिंदू और बौद्ध संस्कृति पूर्णतः समाप्त हो गई और पूरी आबादी के 80% लोग इस्लाम धर्म को मानने लगे। आज इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आज इस देश की 88% आबादी मुस्लिम है तथा 12% आबादी अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की है। तो दोस्तों, यह थी इंडोनेशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने इस वीडियो में शेयर की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय।